नमस्कार, स्वागत है आपका युवा प्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी चौहान। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसी महिला से जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो है ही, साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं। वो ऐसी महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और उनके प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वह और उनकी संस्था काम करती हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ रुजान खंपाटा जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा प्रेस में। थैंक यू। मैम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और आप इतने बिजी रहते हैं, उस बिजी शेड्यूल में आपने कब सोचा, कब आपके दिमाग में थॉट आया कि आपको ऐसी महिलाओं के लिए काम करना चाहिए जिनके लिए अपराध हो रहे हैं जिनके प्रति? बहुत सिंपल सी बात थी, 2012 में आपने सबने निर्भया के केस के बारे में तो सुना था, पढ़ा था, कई लोगों ने पार्ट भी लिया था टू गिव देयर व्यूज, टू से कि नहीं ये बहुत ख़राब हो रहा है अपने, शायद कई लोगों ने कैंडल मार्च में भी गए होंगे। सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये हुआ कि जब निर्भया हुआ तो आई स्टार्टेड गोइंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस टू टॉक अबाउट इट, चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, ये वो। तो मैंने सोचा तब, जब यू नो व्हेन यू गो एंड टॉक यू रीड अ लॉट एटलीस्ट, क्योंकि एक ही चीज़, आई मीन यू हैव टू रीड एंड टेल, यू जस्ट कांट गो ऑन, क्या कहते हो, बकवास नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने सोचा कि मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की हूँ, वी वर्क विद सॉफ्टवेयर, विल डेबल विद सॉफ्टवेयर, हम काफ़ी इनोवेटिव चीज़ों पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहनों की सेवा के लिए, हेल्प के लिए, रेस्क्यू के लिए कैसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बोलते हैं, इंडिया बोलता है चांद तारे पे जाने की बात कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, तो एक मैंने एक सिंपल टेक्नोलॉजी रखी, पुलिस हार्ट 1091, कि जब कोई बहन इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक रेप, मोलेस्टेशन, यूटिंग डोमेस्टिक वाइलेंस, ऐसे सिचुएशन में होती है तो यू नो टेलीफोन निकाल के वो फ़ोन करेगी, सामने वाला ने फ़ोन उठाया नहीं उठाया तो, और जो हमें जो परपेट्रेटर है, जो हमें हैरस कर रहा है, वो कहेगा ना ना बहन बात कर लो, नो इज नॉट गोइंग टू डू दैट, ही वो आपको फ़ोन फेंक देगा। सो इसलिए हमने ये टेक्नोलॉजी रखी, ट्रस्ट मी इट वॉज नॉट एन ऐप, क्योंकि हमारी बेचारी बहनों के पास, लेट अस एक्सेप्ट दैट, कि लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल होंगे, लेकिन आप बहनों के पास देखना, ये जो मिडिल क्लास की बहनें हैं, डाउन द लेवल मिडिल क्लास की बहनें, उनके पास इतने अच्छे मोबाइल नहीं होते, उनके पास तो बेचारों के पास स्मार्टफोन भी नहीं होते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट, सो वी पुट अप अ टेक्नोलॉजी, जब मैंने, और इट वॉज लाइक मोर ऑफ अ सोशल सर्विस, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू नो इफ यू ट्राई टू सेल अ टेक्नोलॉजी, भले गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जब पैसा देने की बात आती है, हमारे जैसे जो जेन्यून लोग होते हैं उसको इतने मिलते नहीं है। सो आई सेड, और मुझे कहा गया था रुजान पायलट प्रोजेक्ट है, फ्री में करना है, सो एनी वे आई डिडंट हैव अ चॉइस, सो एंड आई डिड हैव अ चॉइस टू से नो, बट आई सेड कि नहीं, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा तो बिजनेस में है, कमाए है, कमा लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये टेक्नोलॉजी से कुछ चार बहनें भी बच जाएगी तो अपना ये टेक्नोलॉजी वसूल हो जाएगी। इसीलिए कमिंग बैक आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस एंड देन वी पुट अप दिस टेक्नोलॉजी। चार तो बहन नहीं, लेकिन चार हज़ार से ऊपर बहनें या ज़्यादा बहनें बची है इस टेक्नोलॉजी से। सो ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है। आई सेड एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, यू हैव टू हैव अ सेटिस्फेक्शन लेवल। सो ये सेटिस्फेक्शन आया एंड देन एंड द बेस्ट पार्ट वाई आई गॉट मोर एंड मोर मोटिवेटेड इनटू दिस, आई जस्ट टेल यू, बिकॉज बिजनेस अपनी रीच से चल रहा था, या अगर आप बिजनेस में ध्यान नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली बीइंग अ वन मैन आर्मी बिजनेस आगे पीछे होता है, वो सत्य है और वो हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो बैक होम, जब आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि विथ योर एफर्ट्स, विद द एफर्ट्स ऑफ योर टीम, विद द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब आप ये देख रहे हो कि वो बहन बच रही है, उसको न्याय मिल रहा है, उसको वो जो उसके साथ वो पीड़ा हो रही थी, या जो उसको प्रेशराइज कर रहा था, जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जो उसकी लाइफ बिगाड़ रहा था, अब ये बहन की लाइफ सुधर रही है, सो यू फील हैप्पी, यू फील ग्लैड कि यू हैव डिड समथिंग इन लाइफ, तुमने किसी एक लड़की को बचाया, किसी एक लड़की की लाइफ चेंज की है, सो यू फील वेरी हैप्पी, यू गो बैक होम एंड स्लीप नाइसली। अब ये जो सेटिस्फेक्शन इससे आता है, पैसे से आता होगा सेटिस्फेक्शन, बट ये मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लगा एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फर्दर एंड फर्दर इन दिस फील्ड। एंड लकीली मेरे साथ ये हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी नेटवर्क रिसोर्सेज, मैंने अगेन रिपीट कर चुके, बिकॉज ऑफ द गुड कनेक्ट्स विद द पुलिस, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द जुडिशियरी, विद द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दोज गुड कनेक्शंस विद देम, दे वुड एट वंस हेल्प, एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प वो लेडी को जस्टिस मिलती थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस यू फील सेटिस्फाइड कि यू हैव डन समथिंग, एंड दैट इज़ वॉट प्रोमोटेड यू टू गेट फर्दर एंड फर्दर इन टू दिस एक्टिविटी। मैम, आप और आपकी संस्था किस तरीके से महिलाओं की हेल्प करती है, अब तक कितनी महिलाओं की हेल्प कर चुके होंगे आप?
सी इट्स वेरी इजी टू थ्रो नंबर्स. अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे आपको बहुत सारे नंबर्स, अच्छे अच्छे नंबर्स मिलेंगे और सत्य वाले नंबर्स मिलेंगे. इन्फ्लेटेड नहीं कि भाई 10 की और 100 दिखा. नो, वी डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को. क्योंकि समाज में इतनी बुद्धि है आजकल, आपको और मुझे पता है कितनी सब चीज़ें फेक होती है. लोग भी देख के वो हंसेंगे कि झूठा झूठा चल रहा है. यानी लोग पता है वो फोटोशॉप करते खुद के इमेजेस किसी नेता के पास और दिखाता है कि मैं नेता को मिला, जबकि नेता 25 लोगों के बीच में मिला होता है और दिखा बाजू के फोटोज निकाल देता. यू नो, सो पीपल हैव दैट सेंस. लोगों को हम बेवकूफ नहीं समझना चाहिए. बट कमिंग बैक टू दोज नंबर्स वेट यू सेट, किसी वी आर इन टू लॉट ऑफ एक्टिविटीज. जैसे कि एक एग्जाम्पल दू, हमने 2015 में डिफेंस और डांस, लर्न द आर्ट ऑफ डिफेंस विद द ट्विस्ट ऑफ अ डांस. आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस भी फाउंड आउट कि बहनों को खाली आप ये हा करके कराटे सिखाओगे एक वीक तो उससे कुछ भलीवारी नहीं हो रही है. भलीवारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यू नो इट इज़ द स्किल. आप लोग दिमाग में मत डालो कि सेल्फ डिफेंस इज वेर यू रिक्वायर पावर और वेर यू रिक्वायर दिस क्या कहते हैं ये वो कराटे वाला ड्रेस पहन के हू हा करने का. नो, इट हैज़ नथिंग गॉट टू डू विद दैट. इट हैज़ गॉट टू डू विद अ स्किल एंड स्किल विद एंड स्पीड. जैसे कि अगर लेट्स से हाथ छुड़ाना हो तो कैसे ट्विस्ट करके हाथ छुड़ाए, गला छुड़ा कैसे, बाल कैसे छुड़ाया जाए, पेट, बिकॉज दीज आर मोर फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस. और एंड वी ऑल्सो टॉट पीपल वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि कोई भी आदमी आप पे पहले टूट नहीं पड़ेगा. यू नो इज नॉट गोइंग टू रेप यू इन द फर्स्ट इंस्टेंस. वो आपको देखेगा कि ये कैसे चलती है, ये टिमिड है, डरपोक है, घबरू घबरू है, वो सब देखेगा. सो जब आप आपकी जब बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, आप जब मेंटली स्ट्रांग दिखाओगे, आपकी जो आई का जो क्या कहते हैं गेज है वो आपका स्ट्रांग है, आपका हेड हेल्ड हाई है, आपका आवाज़ स्ट्रांग है, तो बट नेचुरल कि दिस शोज योर मेंटल स्ट्रेंथ. सो दैट इज़ वाई एम यूजिंग द वर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो हमने फिर बहनों को विथ आवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक हल्ला बोल, एक और हल्ला बोल करके हमारा प्रोजेक्ट है. अब आपको कहना चाहते एक प्रोजेक्ट हमने एक महीना चलाया. पहला एक प्रोजेक्ट एक ही दिन में मेरे 800 वॉलंटियर्स ने 425 सेशंस किए इसके विद सीडीज एंड डिटेल्स ऑफ दैट. दूसरे में हमने एक महीना चलाया. द क्लोजिंग सेरेमनी वॉज डन बाय द गवर्नर श्री ओपी कोहली सर. सो इट वॉज मोर देन 12 लाख पीपल हु कुड सी दैट. क्यू? बिकॉज ऑफ द दिस नेटवर्क ऑफ बाइजैक की नेटवर्क हमने यूज़ की थी. सो वी कुड गो रीच टू स्कूल्स कॉलेजेस एज वेल एज टू द एंड लेवल ऑफ द विलेज. और वहाँ पे हमने इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स भी किए. सो सी इफ यू टॉक ऑफ नंबर्स, द नंबर्स आर ऑलवेज यूज बिकॉज वी वर्क इन सच अ वे. वी यूज द टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट पॉसिबल वे. सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट वी डू. सो दीज आर द नंबर्स. मैंने अगेन रिपीट कर चुका कि हल्ला बोल में खाली एक महीने में वी कुड रीच मोर देन 12 लाख पीपल थ्रू ऑल दीज वेरियस मीडियम, स्कूल कॉलेजेस एंड दीज बाइसेक मीडियम. फिर अगर आप डिफेंस और डांस की बात करोगे तो हमने जो 2015 में स्टेडियम में स्वयंभू लड़की आई थी, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच मनी टू कॉल वो बस दे के लड़कियों को बुलाने के, हमारे पास तो पैसा नहीं है. सो 25,000 बहने स्वयंभू आई थी. एंड वी ऑल्सो सॉ टू इट कि लेडीज आए, क्योंकि यू नो एक बार कराटे पराटे तो वो 2-5 महीने का कोर्स करके लड़की सीख भी लेगी, बच्ची सीख लेगी, लेकिन माता है या एनीबडी अबाउट 25 ईयर्स सोचेगी नहीं हमें ये सब हु करना थोड़ी करेंगे हम. सो वी ऑल्सो सॉ टू इट. सो थ्रू डांस वी टॉट दैम. अभी भी हमारे डिफेंस और डांस के फ्री में, लेट मी एड यर वन थिंग मैम, एवरीथिंग वी डू इट फ्री. हमारे कोई भी उसमें पैसा नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होता है, जीरो कॉस्ट होता है. इनफैक्ट यू नो कई बार लोग कैसे कहे कि भाई ये खर्चा निकालने के लिए इतना तो पैसा लेना चाहिए. हम सर नहीं, वी विल गेट डोनर्स, विल गेट स्पॉन्सर्स, विल फंड इट फ्रॉम आवर ओन दिस थिंग, बट वी वॉन्ट टू डू इट फ्री बिकॉज वी वॉन्ट कि जेन्यून लोगों को फायदा होवे. वो पेज 3 बहनत ऐसे भी बड़े बड़े पासेज लेके कहीं जा सकती है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सो दीज ऑल प्रोजेक्ट्स आर फ्री सो दैट बहनों को उसको मदद मिले. हाँ, एक ही चीज़ हमको उनसे चाहिए कि कमिटमेंट. एंड ऑब्वियसली अगर वो खुद कमिट नहीं करेगी तो उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर देयर टू हेल्प देम. बट यू नो इट्स लाइक दैट कि मैंने स्विमिंग आपको सिखा दिया, एक दो बार आपके साथ पानी में तैर के भी कर दिया, लेकिन बाद में तो यू विल हैव टू लर्न इट योर सेल्फ, अदरवाइज योर सेल्फ विल रिपेंट फॉर इट. सो इस तरह के जैसे कि डिफेंस और डांस के बारे में बात की, वी गो टू स्कूल्स कॉलेजेस, टीच देम फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे वीडियोस है, वीडियोस हम देखे जाते हैं, क्योंकि आई नो कि अगर मैंने आपको एक बार सिखा दिया, आपने ट्राई टेस्ट भी कर दिया, आपने एक दूसरों के साथ कर भी दिया, बट यू नो आपको याद भी तो रहना चाहिए ना. याद रहने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. अब प्रैक्टिस के लिए आप किसको देखोगे? तो वी हैव आवर वीडियोज, तो हम उनको वीडियोज भी देते. तो डिफेंस और डांस हो गया, हल्ला बोल हो गया, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया. सो दिस इज वन टाइप ऑफ एक्टिवेटेड वी डू. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हम काम करते हैं वो है कि बहनों को लेट्स से अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स कही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहनों जो उसकी जिनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है उनके तक ये स्कीम्स नहीं पहुंचती है. गलती क्या है? गलती यह है कि भाई वो जो बहनें अभन है, नापढ़ है, पता ही नहीं है, वो बेचारी मेहनत भी नहीं करेगी
और जो जिनको मिसयूज़ करनी है वो तो ठोक में स्कीम्स मिसयूज़ कर रहा है, अभी उसमें अपने को पढ़ना नहीं है। कमिंग बैक टू ये बहनें जिनको जेन्युइन है उनके लिए हम ये स्कीम्स उनको मिले उसकी ये बिकॉज इट्स अगेन क्या कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस। क्योंकि लेट्स से ये दाखिला चाहिए वो दाखिला चाहिए ना, यू हैव टू फिल लॉट ऑफ फॉर्म्स, कई बार बेचारियों के पास वो सब होता भी नहीं है, सो वी हैव टू सी दैट सम हाउ दे गेट दिस फॉर्म्स। और वो उसमें भी सी आई वुड नॉट लाइक टू से के इतने सारे फॉर्म्स क्योंकि यू नो फॉर जेन्युइनिटी चेक्स एंड बैलेंसेज आर रिक्वायर्ड। फिर चेक्स एंड बैलेंसेज लोग करके मिसयूज़ करते हैं उसमें अभी नहीं पढ़ना, बट कमिंग बैक टू जेन्युइनिटी दीज आर रिक्वायर्ड। सो वी सी टू इट कि जो जिनका हक बनता है यू नो हम उनको अपना हक दिला रहे हैं, जैसे कि विधवा सहाय है तो वो उसका हक है, या ये जो माँ कार्ड है तो उसका हक है, या जो ये क्या कहते हैं बहनों को बच्चियों के लिए जो इसके गवर्नमेंट ने स्कीम्स ने डाली है वो उसका हक है। सो हम उनका हक दिला रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच वी आर डूइंग एट सरसपुर। मैम जैसे आप ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं, इनकी हेल्प के लिए भी चीज़ें करते हैं, तो इसके फंड्स कहाँ से आपको प्रोवाइड होते हैं? गवर्नमेंट की भी इतनी सारी स्कीम्स चल रही तो आपको गवर्नमेंट हेल्प भी मिलती मैम? जी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है उसमें जो मेरे यहाँ से वी हैव आवर ओन टीम, तो उनकी सैलरीज वो लोग, देयर आर टू वेज हमारी सैलरीज होती है, एक डोनेशन के थ्रू आती है और दूसरा हमारे खुद की फर्म देती है, सो दिस टेक्स केयर ऑफ द सैलरी रेंट एंड वो जो आता है। अगर स्विंग मशीन है तो हमको बैंक ने SBI बैंक ने डोनेशन दिया था, फिर इसलिए सो दिस टेक्स केयर ऑफ द स्कीम पार्ट ऑफ इट। और गवर्नमेंट के पास जो मोस्टली गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में कुछ खास पैसा नहीं देना होता है, लेट्स से कि अगर वो अपने वो जो आवास योजना है तो आवास योजना जो लोकल वाली है उसमें कुछ 25-50-100 रुपये का फॉर्म होता है, वो बहनें खुद निकाल लेती है, या नहीं होता है वर्स्ट केस में हम लोग भी निकाल लेते हैं। सो और जैसे कि सीवन घुटन के क्लासेस है तो जो टीचर आती है या ब्यूटी पार्लर जो टीचर आती है उसको सैलरीज हम लोग देते हैं, सो दिस टेक्स केयर ऑफ दैट, दीज टाइप ऑफ स्कीम्स बीन टेकन केयर ऑफ। दूसरी बात जो हमने ये जो बड़े इवेंट्स की बात की, डिफेंस और डांस हल्ला बोल, ये सब हम खुद फंडिंग जो होती है हमारी, आइदर मैंने कहा जो पहले हम डोनेशंस ले लेते उससे आती है या हमारे खुद के पैसे से आती है, सो ये हमारी फंडिंग्स खुद की होती है, सो दिस इज द वे वी हैंडल इट। फ्रैंकली स्पीकिंग और तो कोई गवर्नमेंट से तो अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट हमें पैसा देती है कोई हो तो भाई हमें दिला देना पैसा। नॉर्मली लोग एक फाउंडेशन खोलते हैं, NGO खोलते हैं और फिर सेवा का काम चालू करते हैं। मेरा 2012 में मेरी जो कंपनी IT कंपनी है, वी आर क्या कहते हैं वो IT कंपनी, तो फॉर प्रॉफिट थी, तो जब हमारी IT कंपनी पे हम लोग काम करते हैं तो उसमें से हमको पैसा आता है। वो पैसा मैंने ये निर्भया के ये प्रोजेक्ट किया था, पुलिस हार्ट 1091, फिर हल्ला बोल, फिर डिफेंस और डांस, ये सारी चीज़ें मैंने हमारे खुद के पैसे से की थी। डिफेंस और डांस में कुछ पैसे डोनेशन में आए थे, मीन्स बाहर से आए थे, तब मेरे पास कोई फंडिंग नहीं, कोई NGO नहीं था, सारे पैसे हमने जो भी डाले खुद के पैसे डाले। अब ये हुआ कि काम बढ़ता गया, काम अच्छा होता गया, सो आई हैव एन एडवाइजरी, तो एडवाइजरी ने मुझे सजेस्ट किया कि रुजा नाउ यू ओपन अ फाउंडेशन NGO। टू बी ऑनेस्ट मुझे NGO वाला चीज़ समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि लेट अस एक्सेप्ट दैट कि 80% 20% आई वुड ऑलवेज से गुड, बट 80% NGOs इसीलिए बनते हैं अड़ावला काम करने के लिए। सो आई सेड कि नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन NGO फंड थिंकिंग, क्योंकि वो चैरिटी कमिश्नर के पास जाओ, ये करो वो करो, मेरे को मज़ा नहीं आती है। तो उस मेरे जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि रुजान तू NPO का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सेक्शन, इट्स सेक्शन 25 कंपनी विच कम्स अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ऐसा इतना सारा अड़ावला काम नहीं होता है बिकॉज यू आर अंडर ROC, तो इसलिए मैंने फिर NPO खोला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट यू नो एटलीस्ट आई देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन दिस होल थिंग। इसमें वो अड़ावला काम हाँ किसी को करना होता तो वो कहीं भी कर सकता है, बट इसमें देयर इज अ दिस थिंग। फिर इफ यू टॉक ऑफ पीपल हु आर प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज एंड डूइंग, उसमें अभी नहीं पढ़ना अपने को, सो दैट मेड मी गेट इन टू दिस। सी सबसे पहले मेरे को यूथ को ये कहना है, कई बार यूथ ये कहते हैं, एक तो दो टाइप के यूथ होते हैं, एक तो कि पहले से ही सोशल सेक्टर में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी खाते हैं और वो डोनेशन मांगने खड़े हो जाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरियाँ रोती धोती स्टोरियाँ करके फोटोज़ ले जाके, तो उन यूथ को कहना है कि यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ फूल, क्योंकि आप खुद सोचते हो कि आप सेवा कर रहे, आप सेवा नहीं कर रहे, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के खुद की नैया चला रहे हो, राइट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट यूथ को कहने के, जो बेचारे मेहनत करके कमा रहे हैं यूथ, उनको कहना है कि आई नो एंड आई अंडरस्टैंड के बहुत तकलीफ हुआ, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाना, बट साथ साथ में डोंट गिव मनी। मैं लोगों को कहती हूँ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो क्या कहते हैं किसी बच्चे को पढ़ा लो, या किसी बच्चे को कुछ बिस्किट भी दे दो, बिकॉज यू नो वो 5 रुपये की छोटी सी बिस्किट वो बच्चे की लाइफ में बहुत मीन्स उसको उस दिन उसका बहुत हैप्पी जाता है वो बच्चे का, ये यूथ के लिए। दूसरी बात सीनियर सिटीजनों को मुझे खास कहना है, खास करके वो सीनियर सिटीजन जो लोग वो घड़ाघर में रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ मिल के आई हूँ कुछ सीनियर सिटीजनों को घड़ाघर में, सो मेरे दिमाग में ऐसा आ गया है कि दे लीड अ गुड लाइफ देयर। आई अंडरस्टैंड उनके
उनके बच्चों ने कुछ किया होगा ये, और तालियां दो हाथ से बजती है ये भी बता दो. सो आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. अभी मुझे कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, लेकिन मुझे उन सीनियर सिटीजन्स को कहना है और जो दूसरे लोग, क्योंकि आज की तारीख में हर सीनियर सिटीजन के घड़ाघर में 3 से 4 केक कटते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 3 से 4 केक कटते हैं यानी लोग जाके अपना पाप वहाँ जाके धो के आते हैं, पहला पॉइंट. सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द सीनियर सिटीजन्स कि आप लोग प्लीज़ कुछ टाइम निकाल के, जो आप गार्डन में बैठ के झूले खाते हो, वो टाइम निकाल के आप आसपास के कोई स्लम में या गरीब की बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ाओ. और फाइनली जो मैं हमेशा अपनी बहनों को कहती हूँ, फैमिलीज को कहती हूँ, सोसाइटी को कहती हूँ कि आपके साथ कुछ भी अत्याचार होता है, इफ़ कुछ होता है तो वॉइस योर ओपिनियन, आवाज़ उठाओ. किसी बाजू की बहन के साथ होता है तो भी उसके लिए आवाज़ उठाओ. ऐसा मत सोचो कि आपने शू मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है. नहीं, यू विल हैव टू स्टैंड विद अ वुमेन. मैंने कहा ना, एक वुमेन दूसरे वुमेन को आज की तारीख में क्या दे सकती है, तो हाथ अपना. अपने पास दोनों हाथ है, बहनों को दो, ताकि, क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में घरेलू हिंसा बोलो, ये ईव टीजिंग बोलो, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम लोग सक्षम लोग नहीं करेंगे, तो इन बहनों को कौन बचाएगा. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू वेरी मच. भारत भाग्य विधाता. ये थी हमारे साथ रुजान खंबाटा जी, जो एक बजराव फोर्स नामक फाउंडेशन चला रही हैं महिलाओं विकास के लिए. अगली बार फिर कुछ खास लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार.